अच्छा, मेरा नाम है अनिल शांतिलाल नंदू। मैं हिंद माता में ही रहता हूँ, हिंद माता में छोटा बड़ा हुआ हूँ। दूसरी बात, हिंद माता मार्केट को आज की तारीख में 75 साल हो गए। स्टार्टिंग में यहाँ पे 5 दुकानें थे, आज ये मार्केट फैलते 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 500 दुकान का मार्केट हो गया है। और ये मार्केट दादर स्टेशन से शुरू होता है और हिंद माता तक आता है। और ये मार्केट के अंदर लोग कहाँ कहाँ से परचेस करने को आते हैं, क्योंकि एक विश्वास है ये मार्केट के अंदर। कस्टमर यहाँ आता है, उसको कपड़े के बारे में यहाँ पे हर कोई चीज मिल जाती है। जैसे कि अपन सबसे पहले बोले कि साड़ी, ब्लाउज पीस, परकर, ड्रेस पीस, पैंट पीस, शर्ट पीस, पर्दा, शाल, पिलो कवर्स वगैरह हर चीज, कपड़े का जो आइटम है ये मार्केट के अंदर आदमी लोग को आसानी से मिल जाता है। और इतना ये एरिया इतना बेस्ट है कि यहाँ पे किधर भी आप जाएंगे तो कोई यहाँ पे वो नहीं करता है, सबको यहाँ पे वेलकम करके बुलाते हैं, सबको ये करते हैं और सब जन को यहाँ पे अच्छा लगता है। और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं ये मार्केट के अंदर। ये मार्केट इतना अच्छे कि बाहर गाँव के लोग भी यहाँ आते हैं खरीदी करने के लिए कपड़े के बारे में। और बाकी यहाँ आने के बाद सब सब जन को बहुत वैरायटी मिलती है। जैसे कि हम लोग का दुकान ड्रेस मटेरियल दुकान है, यहाँ पे कॉटन का, सिल्क का, प्रिंटेड वर्क, बांधनी, हैंडलूम वगैरह हर कोई चीज उनको यहाँ मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, और हम लोग जो ये है, ये हमारा खुद का दुकान है, ये हमारे पिताजी ने यह दुकान शुरू किया है। और आज हम ये दुकान 33 साल से हम खुद संभाल रहे हैं। और हमारे पिताजी को इस मार्केट के अंदर 60 ईयर्स हो गए आज की तारीख में। हिंद माता में हम लोग रहते हैं, आज बचपन हमारा यहाँ गया, इतना अच्छा वातावरण है। और यहाँ की जो है हिंद माता बोलेगा तो यहाँ पे रहने वाले जो है पहले सब मराठी लोग थे, आज यहाँ पे गुजराती लोग आ गए हैं, मारवाड़ी लोग भी आ गए हैं। और यहाँ पे हर कोई इंसान मिलजुल के रहता है, अगल बगल का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ पे आने वाले जो भी है, नया कोई भी आएगा रहने वाला, वो भी उसको अच्छा लोग, जैसे अपन बोलते कि पहला सगा थे पड़ोसी, वो सबको चाहिए, पड़ोसी अच्छा चाहिए सब जन को। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ना रहवासी को प्रॉब्लम है, ना दुकानदार को प्रॉब्लम है। तो सबसे बढ़िया में बढ़िया यहाँ पे आदमी लोग आते हैं और यहाँ से परचेस करके खुश होकर निकल जाते हैं। तो रीडेवलपमेंट के बारे में क्या है कि मार्केट भी होएगा आस्ते आस्ते, ये एरिया भी रिडेवलपमेंट में गया है और यहाँ पे भी बड़े में अच्छा सुधार होएगा, ये हम लोग को उम्मीद है कि इसके बारे में हर कोई ध्यान रखेंगे इसके बारे में। इस मार्केट की जगह हमारी अपेक्षा यहाँ पे मार्केट ही होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में बम्बई के अंदर यहाँ पे भी मॉल हुए, मॉल चलते नहीं है, और मार्केट का जो है वो मार्केट ही होना चाहिए यहाँ पे हमारे लिए।